बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट टाइम हमने रॉड एक एग्जांपल की थी जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैलकुलेट कर रहे थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और उस केस में हमारे पास रॉड था और जो पॉइंट पी था वो हमारे बेसिकली परपेंडिकुलर एट ए डिस्टेंस टी हमारे पास पड़ा हुआ था। इन दिस केस हमारे पास एक तो जो रॉड पे चार्ज है वो पॉजिटिव क्यू है, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉइंट पी जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस बना हुआ है। सो डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड, तो ये हमारे पास आ गया इसकी डायग्राम। सो अज्यूम द रॉड हैज़ ए नेगलिजिबल नेगलिजिबल थिकनेस। अब हम देख लेंगे, इट्स गुड टू बी बैट, वी विल नीड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो लेट्स जस्ट पुट देम इन राइट नाउ। सो हम एक्सिस डालेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब नेक्स्ट हमने जो चीज़ याद रखनी है, चार्ज डेंसिटी क्या है हमारे पास। सो लेमडा इज इक्वल टू क्यू ओवर एल एंड क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल, ये दो फार्मूले हमारे पास यूज़ होंगे आगे। हमारे पास इक्वेशंस, यूजुअल इक्वेशन क्या है हमारे पास, टी ई इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ये वो जो पोर्शन हम उठाएंगे उसकी इक्वेशन है, वो उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हमारा ये है कि इस रॉड में से एक पोर्शन को उठाना जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यू से। लेट्स से वो ये पोर्शन हम डी क्यू उठा लेते हैं, उसमें से पिक कर लेते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, बिकॉज डी क्यू इज़ पॉजिटिव, इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अवे फ्रॉम द रॉड। ठीक है, आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो जो लाइंस की डायरेक्शन है वो अवे होती है। सो ये हमारे पास आ गया डी ई, डी ई की डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट चार्जेस की वजह से वो ये होगी इस पोर्शन की। सो इन दिस केस हमारे पास वाई एक्सिस जीरो है, सो ई वाई हमारे पास जीरो है सिमेट्री की वजह से। सो डी क्यू इज ए डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये हमारे पास एक्स डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। अब डी ई एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस के डी क्यू ओवर एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस के लेमडा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। ये बेसिकली हमने चार्ज डेंसिटी को उस फार्मूले को रिप्लेस कर दिया, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा एक्स विच इज इक्वल टू माइनस के लेमडा डी एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर। सो ये हमारे पास चीज़ आ गई, जो इक्वेशन आ गई वो ये फाइनल इक्वेशन आ गई एक्स एक्सिस के ऊपर। अब हम हमारे पास क्या है, उसको इंटीग्रेट कर देना पूरे रॉड के ऊपर। सो उसकी यूनिट्स किस तरह से निकलेंगी। सो पहली आपके पास जो लोअर लिमिट है वो डी है, आप देख सकते हैं, और जो अपर लिमिट है वो डी प्लस एल है। ठीक है, डी प्लस एल तक रॉड जहाँ पे पड़ा हुआ है, पहली डी पे और जो एंड है वो डी प्लस एल है। सो हम लोअर लिमिट डी डालेंगे और अपर लिमिट डी प्लस एल डालेंगे, और उसी एक्सप्रेशन को जो हमने पीछे एक्स एक्सिस पे से निकाला है उसकी उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल दिया हमने और उसको इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करेंगे लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के लैम्डा डी माइनस डी प्लस एल और डी इंटू डी प्लस एल। फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया रॉड के ऊपर। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, ई वाई जीरो है, ई एक्स ये है। तो हमारे पास दो तरह से हम इसको लिख सकते हैं, एक तो ई इज इक्वल टू के वाई एल और के लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस एल इन द एक्स डायरेक्शन, आपने ये साथ लिखना है। अगर आप ये इन द एक्स डायरेक्शन नहीं लिखते तो आप यूनिट वेक्टर ई साइन के ऊपर वेक्टर का साइन डालें, एरो का साइन, ताकि वो रिप्रेजेंट करे कि ये वेक्टर है। और फिर आगे जिस डायरेक्शन में आपने कंपोनेंट को निकाला है, अगर वाई में है, एक्स में है तो आई हैट, वाई में है तो जे हैट और जी में है तो के हैट। सो इन दिस केस हमारे पास एक्स एक्सिस पे ई एक्स का कंपोनेंट की वैल्यू आई है, तो उस वजह से हम उसके साथ आई हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
आप दोनों तरीकों से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारे पास वैल्यू आई है। सो अब कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो देयर आर टू अप्रोचेस टू द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो ये बुक में एग्जांपल है, सो हम देख सकते हैं उसको कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन के लेमडा ओवर आर, उसको 2k λ/r हमने ये फाइंड आउट कर, जो रिजल्ट आया है उस मैथमेटिकल अप्रोच का वो ये है हमारे पास। तो इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे। हमने आप अगर डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप इस इक्वेशन के साथ रहें, ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हमारे पास एक रिंग है और उस पे हमने क्या, एक रिंग ऑफ रेडियस ए, इस रिंग का रेडियस ए है, हैज यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ एंड ए टोटल पॉजिटिव चार्ज क्यू। ये जो ब्लूइश एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके जो चार्ज है वो क्यू है। सो हमने फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग एट ए डिस्टेंस एक्स नॉट। सो जो सेंटर है एक्सिस का और पी पॉइंट का डिस्टेंस है वो एक्स नॉट है, ठीक है। तो आप किस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? सो अगर हम इसको इस एज व्यू से देखें तो ये चीज़ हमें नज़र आएगी, एज ऑन व्यू से अगर हम इसको इस साइड से देखें तो रिंग हमें नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, तो जी एक्सिस वुड बी कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन एट यू, समझ आ गई। जो जो इसका जेड एक्सिस है, ये तीन सॉरी एक्स वाई जी, जो जी वाली है ना वो आपकी तरफ आ रही है, मीन्स के पॉइंटेड एट योर फेस फ्रॉम द सेंटर। सो अब ये हमारे पास आगे फिगर दोबारा से, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो डिस्टेंस रेडियस है उसका वो ए है, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी में से हमने क्या करना है, वही एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास स्टार्टिंग इक्वेशन ये है और ये हम पहले भी कर रहे हैं। अब हमने वही काम करना है कि पी के डी के वो एक चार्ज पिक करना है इस पूरे सर्कल में से किसी भी पॉइंट पे। सो हमने ये वाई एक्सिस पे ना वो पॉइंट पिक कर लिया डी के उसे चार्ज। अब हम शो द डी, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेंगे इस पॉजिटिव डी क्यू की वजह से। सो पॉजिटिव की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन होगी। अगर नेगेटिव होती तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट पी से उधर जा रही होती। सो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई ड्यू टू पॉजिटिव डी क्यू। सो ये हमारे पास थीटा आ गया और डिस्टेंस जो है वो आर आ गया, हाइपोटेन्यूज जिसको हम कहते हैं। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसकी वैल्यूज ई एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने और जी कंपोनेंट निकालने। सो शो द एक्स वाई कंपोनेंट्स आर टी, देयर मे आल्सो बी ए जी कंपोनेंट क्योंकि वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, विच विल बी लीव आउट बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रा एंड विजुलाइज। सो बाज चीज़ें फिजिबल नहीं होती, तो इसलिए हम जी कंपोनेंट को ओमिट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट आ गया, ठीक है, जो एरो हमने अभी आपने मूव होते हुए देखे। सो कंसिडर द डी क्यू डैश ऑन द रिंग वेयर इट इज इंटरसेक्टेड बाय द नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसी के अपोजिट हमने एक पॉइंट लेना है सिर्फ रिंग के केस में, डी क्यू डैश, ये देख सकते हैं आप, ये डी बिल्कुल अपोजिट उसके जो इंटरसेक्ट करे नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब वहाँ से गिव राइज टू डी ई डैश, अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी और इसी तरह उसके भी ये एक्स कंपोनेंट और ये उसका वाई कंपोनेंट होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट उसी तरह से आपने पॉइंट आउट करना है एंगल थीटा और डिस्टेंस आर। सो द वाई कंपोनेंट कैंसिल पेयर वाइज, अब जो वाई कंपोनेंट है वो एक दूसरे को के ऑपोजिट हैं और सेम है, सो इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ई जी को भी हम कहते हैं कि वो भी ज़ीरो है क्योंकि उसको हमने ओमिट कर दिया। सो हमारे पास कौन सा केस बचा, एक्स। सो वो ऐसी इक्वेशन हमारी
स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टार्टिंग इक्वेशन हमारे पास है डी इज इक्वल टू के डी के ओवर आर स्क्वेयर। सो हमारे पास क्या होगा, डी ई एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव डी ई कॉस थीटा। क्यों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये एक्स की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है। सो हमारे पास आर जो है फ्रॉम द डायग्राम पाइथागोरस थ्योरम से आर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल अंडर रूट। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सो एक्स नॉट ओवर आर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये चीज़ें हम उसमें पुट कर देंगे। सो इक्वेशन में हमने पुट कर दी वैल्यूज और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरी रिंग के ऊपर। ठीक है, पूरी रिंग के ऊपर हमने उसको पुट कर दिया। सो डी क्यू को जब पूरे चार्ज को हम रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास डी क्यू की वैल्यू जो है वो क्यू आ जाएगी। सो फ्रॉम द स्टार्ट ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर रिंग डी ई एक्स, वैल्यू रिप्लेस की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाल दिया, अंदर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, हमारे पास डी क्यू की हमारे पास इंटीग्रेशन होगी क्यू। सो टोटल चार्ज है वो हमारे पास क्यू आ जाएगा। आर की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आपके पास इस पूरी रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्जेस पी की वजह से, इस पी पॉइंट सॉरी इस पॉइंट पे जो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास आ गई के एक्स नॉट इंटू मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल 3/2। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये वही चीज़ें हैं जो आपको जो लिखी हुई है वर्बल फॉर्म में, ये आप पढ़ सकते हैं कि हमने क्या क्या किया है पीछे। ठीक है, अब हमारे पास ई एक्स का कंपोनेंट ये आ गया और ई वाई और ई जी हमारे पास ज़ीरो हो गए। सो हम किस डायरेक्शन में उसका लिखेंगे कंपोनेंट, एक्स की डायरेक्शन में, और एक्स की डायरेक्शन में जब यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होगा आई हैट। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू के एक्स नॉट क्यू ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर होल पावर 3/2 आई हैट। सो इसी तरह ई इज इक्वल टू के एक्स नॉट मॉड ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई के नॉट स्क्वेयर एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2 अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये दोनों तरह से हम लिख सकते हैं जो हमने पहले भी बात डिस्कस की।